हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान मारी संस्कृति हरे मारा स्वाभिमान आओ मिलके स्वर्ग बनाए इस हरियाणा को हो नंगे नाच पे प्रति बंद कर सुनया करो लक्ष्मी चंद और बंद करो इस गं, गंदे गाने को सौ साल पुराने लेख लिखे सब आख्या गा रहे हैं अरे सुन के देखो दादा लक्ष्मी के के, के के जा रहे हैं सुन के देखो रे दादा लक्ष्मी के के, के के जा रहे हैं राम राम दोस्तों फिलहाल फरे में जो चेहरा देखने लग रहे हो बिल्कुल मैं कहूंगा इनको सुरों का बादशाह इतनी सुरीली आवाज करण प्रिय कानन जब प्यारी लागज भाव है मतलब मासे मुनिकर पापड़ा जी हमारे साथ में है तो सबसे पहले मासे जी राम 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 भाई राम राम अभी मनु आपके चैनल को सभी दर्शकों को राम राम भाई सभी को राम राम मासे जी सबसे पहला प्रश्न ये पूछेंगे आप पे इस लाइन में आपका कुकर आना हुआ और कब से इस लाइन में आप आए भाई ये तो उस काम था दादे पड़दादे चलता दा है अच्छा। गई जब तक भाई है सारी उम्र आपने बाली शर्मा के साथ में भी काम किया है मास्टर सतबीर जी स्वर्गीय उनके साथ में भी काम किया है तो मास्टर जी पार्टी कब बनाई फिर आपने पार्टी तो बनी बनाई थी मेरे गांव में तो पार्टी अब भी है पहले भी थी बाकी मैं 2003 में अपनी पार्टी खुद की एडजस्टमेंट कर दी थी हुँ। और ऑल इंडिया रोड तक से हमने फार्म भरा था अपनी पार्टी ने खुद की पार्टी तैयार करके वहां से फिर 2003 में हम अप्रूव हो गए थे ऑल इंडिया रोड तक रेडियो स्टेशन से हम रेडियो मंगाने लगे थे अच्छा। से मतलब सबका अपना अपना सिस्टम हुआ है आपने रंग काट कर है। मतलब आपका जो स्केल है नी लाजवाब और कितना ऊंचा मतलब आवाज कई कलाकार देखा ऊंचा स्केल मंगाया कोई पर आवाज गड़बड़ कर दे है लेकिन आपका सकेल यूट्यूब पर बहुत सारी रागनी आपकी सुन रखी है लाजवाब क्या कहने है? गजब इसका क्या परमात्मा की देन है अभी मनु भाई हर इंसान की हर जीव की अलग अलग वोकल कोड परमात्मा दे रखी बिल्कुल ये तो अपना अपना सबका अलग अलग अंदाज होता है गाने का और रंगकाट का मजा की बात है इस तरह भाई ये आनंद है कोई पहलवानी का आनंद ले रहा है कोई खेल का आनंद ले रहा है फुटबॉल का खिलाड़ी हो फुटबॉल का आनंद ले रहा है जो क्रिकेट का, का खिलाड़ी हो क्रिकेट का आनंद ले रहा है गाने वाले गाने का आनंद ले रहे ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਿਕਰਤਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮਾਸੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੋ ਮਾਸੇ ਜੀ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਓ ਚੁਟਕਲਾ ਕੋਣ ਸੁਣਾਓ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਟਕਲਾ ਆਪ ਖਮੂ ਪੇ ਇਤਨਾ ਸਸਦਾ ਕੋਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਤਰਾ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣਗਾ ਸੋਕੇ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਹਾਂ ਵਾਹੀ ਤਾਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਜਾਇਦਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਮੈਂ ਸੁਣੂਗਾ ਆਪੇ ਜੋ ਆਪ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਯਾ ਮਨ ਸਟੇਜ ਬਗੈਨ ਰੋੜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਵਾ ਹੈ ਉਸ ਉਸ ਕਿਸ ਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਦੇਖੇ ਅਭੀ ਮੰਨੂ ਭਾਈ जितनी रचनाएं हमारे पुराने कवियों ने लिखी है वो उनका अनुभव लिखा है उन्होंने अपनी कलम से अनुभव लिखा है सभी जितने भी हमारे कवि हैं सभी अच्छी बातें लिखी हुँ। हुँ। है उन्होंने सारी प्रिय है सारी कविता मतलब सारी तो प्रिय है जी कवि की कविता कर दोड़ी मतलब आपने गेंदोड़ी मजा हो भाई हाँ इसकी तो गेंदोड़ी जमा गणा मजा आ सबकी सबकी कोई फर्क नहीं जिसकी बातें अच्छी है ना जिनकी बातों में हमारे समाज को ज्ञान मिलता है जिसके संस्कार अच्छे संस्कारों की बातें हैं बात हो भाई। सबसे उच्च कभी किसने हो आप। सारे उच्च कोटि के जिसके उच्च, उच्च कोटि का ही वो है देखो मासी जी का साथ साफ कहना है हरियाणा प्रदेश तो बिल्कुल सच्चाई है अभी बड़े बड़े दादा लक्ष्मी चंद

ब्रह्म का स्वरूप है आत्मा ब्रह्म अलग है आत्मा अलग है ये आध्यात्मिक बातें हैं इनका अलग सिस्टम होता है हाँ। बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इनमें खोल के बता रहा हूँ अच्छा रंग काट कर दोड़ी आपने सब तक एनडी किसका गला लगा भाई हाँ यो कलाकार इसका गला मतलब रंग काट कर दोड़ी का मजा आवा है जिसके साथ हमारा वोकल कोड मिलता है उसके साथ हाँ। जिसके आवाज मारे गले मैच करे जिसके स्वर मारे मैच करे उन गले आनंद अपने और तो वो होता में जैसे कि गाय का बछड़ा जम गया जम गया ना उसको जरूरत तो नहीं है उस बछड़े को उठा के अब उसकी माँ मतलब थना में उसका मुंह लगावा वो अपने आप उठेगा अपने आप उठ कर टोलेगा तो अपने आप अपनी माँ की पीओगा भैंस का बच्चा है वो उठा उठाकर लगाना पड़ेगा वो गौ माता में है इतनी शक्ति जिस समझ उसके उसके जो होती है चाहे बच्ची पैदा हो चाहे बच्चा पैदा वो होता है ब्रह्म ज्ञान यानी के पैदाशी ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान वो होता है ब्रह्म ज्ञान जी पढ़ाई लिखाई की अगर आप बात करा पढ़ाई लिखाई कट तक चली आपकी बायोमेट्रिक और इस क्षेत्र में मतलब क्षेत्र तो जो कोई हो एक गुरु की सारे की जरूरत पड़ा कर है आ, इस फील्ड के अंदर आपका गुरु जो है किसको दान किया आपने मेरे गुरु मेरे गांव से बाबा नंदराम पुरी जी थे हाँ वो ब्रह्मलीन हो चुके हाँ वो बहुत ही उच्च कोटि के कवि भी थे बजनी भी थे संगी भी थे शब्दी भी थे वो मल्टी टैलेंटेड लगा लो परमात्मा गॉड गिफ्टेड थे वो।

गालियां देने लग यार तो क्योंकि सब एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है ना उच्च सुर में हाँ। काम होता है तो मैं हाँ। संगत कार जो है बातें जैसे की ज्ञान बातें हैं वे हमारे बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं जगन्नाथ भारद्वाज समाज उनकी कविता ही है

एर करें जा भलाई ले ले जग का मजा बुरे रे करम की मिलेगी सजा करें जा भलाई ले, ले जग का मजा बड़ा और भी आगे भलाई करें तेरी तृष्णा भी मर जागी तृष्णा मरे तेरी जिंदगी सुधर जागी बुराई करें तो पापने हटके उभर जागी बुराई करें तो अपने हटके उभर जागी फिर एक दिन गिर जागी जो शिखर धजा करें जा भलाई ले ले जग का मजा वही <laughs> बात भाई श्री जगन्नाथ इस दुनिया का चमत्कार देखता रह गया मेले का रंग दुनिया ले गिर वो बाजार देखता रह गया ऊपर ऊपर से लोगों का वो प्यार देखता रह गया अपने भी तरद को नहीं रहा वो बाहर देखता रह गया और उस परमात्मा से नहीं मिलाई जिसने आत्मा की डोर अंदर तक कुछ और हर बाहर तक कुछ और बिलकुल बिल्कुल सही बात अच्छा आजकल अपनी संस्कृति है न संस्कृति बहुत रिच संस्कृति है बहुत गजब की संस्कृति है क्योंकि मैंने भी माजी में आपने बताया दू मैंने भी दादा लक्ष्मी चंद की जो है पढ़ रखी है से लेके आता हमें पूरी ग्रंथा उनकी पढ़ रखी है हर कवि को मैंने पढ़ रखा है लक्ष्मी चंद की बात है चाहे मुंशी राम जांडली की बात है चाहे भगत की बात है मतलब सब चाहे जाट की बात है बढ़िया मैंने बहुत गजब की संस्कृति है एक शिक्षा देने का काम करती है हाँ। और आज अपनी इस हरियाणा के अंदर इनके क्यूट पटांग गाने कैट दे क्या टिप्पणी करना चाहोगे टिप्पणी तो अपने आप पे हो रही है हम तो क्या टिप्पणी करेंगे मैं तो यही कहूंगा जो आज के कलाकार साथी हैं कवि हैं जो ऐसी बातें लिखो जिनसे हमारे को ज्ञान मिलता हो समाज को ज्ञान मिलता हो ऐसी बातें मत लिखो जिससे कुरुतियां फैलती हो जिससे समाज बिगड़ता हो वो इंसान का धर्म नहीं है समाज बिगाड़ने का काम जो कर रहे हैं जो लिख रहे हैं कवि कवि एक बहुत ऊंचा दर्जा होता है कवि का और उस ऊंचे दर्जे को कहा बोले बड़ा आदमी जो छोटी सी बात न पकड़ के बैठ जा तो उसका बड़ापन खत्म हो जाता है और जब छोटा आदमी बड़ी बात न पकड़ के बैठ जा तो उसका कद ऊंचा बढ़ता चला जाता है तो ये बातें हैं भाई संस्कारिक जो बातें हैं ना अच्छी बातें हैं जिससे ज्ञान मिले हमारा भारत समृद्ध हो ज्ञान से उज्जवल हो बातें लिखनी चाहिए और वही गानी चाहिए गंदी गलत बातें जो है अश्लील बातें अश्लील डांस से जो हर जगह हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है भाई बहुत ही विनाशकारी भी तो हो रहा है लाडो भी बदनाम करी भाभी ने कहे पटोला रे कोर्ट में गोली मारन लागे जेल में गाड़ खटोला रे पीसा सब कुछ नहीं होता तुम सुतरी बात बनाया करो याना शाना सब सुन ले इसे बोल बखत के गाया करो राम मान लिया गंदा के तुम पैसा घना कमाओगे और अपने घर नजर के, के माँ बाप ते आंख मिलाओगे गीत सुरीले गाया कर दे सीधा साधा वाणा था जो गाने में बताया ईसा मारा हरियाणा था जो गाने में बताया ईसा मारा हरियाणा था हरियाणा तो बहुत महान प्रदेश है ऐसा पैसा कमाने से क्या होता है ऐसा ही इंसान का सब कुछ नहीं है बिल्कुल और धन सबसे बड़ा धन इंसान का क्या होता है सबसे बड़ा धन है इंसान का इज्जत बिल्कुल सोचा समाज में अच्छे कामों से नाम कमाना अच्छे व्यवहार रखना लोगों के साथ प्यार प्रेम रखना लड़ाई दंगा ये नहीं करना और सबसे बड़ा तो धन यही है इंसान का जो चार आदमी राम, राम 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 का नाम जिस में आवे वो है वो अच्छे काम बिल्कुल सही बात आराम से बड़ा राम का नाम है तो भाई ये ना तो पैसा साथ में जाता काया और माया सब यहीं रह जाएगी दरिदरा जब इंसान का अंत समय आ जाता है ना उस समय चाहे कितना ही करोड़पति हो चाहे रोडपति हो उस समय वो माया काम नहीं आएगी उस समय तो उसका अंत करण यानी कि जो उसका पुण्य कर्म किया हुआ है ना वो काम आएगा वो परमात्मा भजन करेगा तो उसने अच्छी नहीं मिल जाएगी या मोक्ष भी मिल सकता है भाई स्वर्ग भी मिल सकता है क्यों हम तो बड़े बड़े रे उन्हें कहा जो वही बातें हम अपने बात है और भाई जब बुरा करेंगे तो वही बात से लोग गाली देंगे गाड़ी। तो ऐसा कर करके चाल जो लोग बाद में भाई बहुत अच्छा इंसान था जय जयकार हो ये बातें अपनी तो भाई तो ये थे भाई मासे मुनिगर पापड़ा जी इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला ये केवल हरियाणा प्रदेश के नहीं कूंगा मैं उत्तर भारत के क्योंकि यूपी तक के तखते ला रहे कलाकार ने भाई बिल्कुल सुरों के बादशाह जिनको मैं कहूंगा सुरली आवाज माँ सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान है तो मासी जी ने अपना कीमती समय में दिया इसके लिए माशा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई अभिमन्यु आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को देखने वाले सुनने वाले श्रोताओं जिनसे हमने आशीर्वाद मिला जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा करी आज चार भाइयों में भाई हमारी पहचान है आप सभी का आभारी है भाई कोई गलती सलती होगी तो माफ कर आप सबके धन्यवाद आपका सभी का राम राम सभी राम राम मैं सारे ने वीडियो ने ना कर दियो तब क्या शेयर जितने भी संस्कृति प्रेमी है लाइक कर दियो भाई कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर छोड़ दियो साथियों धन्यवाद सारे का जय हिंद जय जै भारत जय हरियाणा जय हरियाणवी